आपको लैपटॉप में से मोबाइल में फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक तो मोबाइल फोन होना चाहिए, एक आपके पास ये डाटा केबल होनी चाहिए। आप लैपटॉप से मोबाइल में और मोबाइल से लैपटॉप में फाइल ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो डाटा केबल है हमें यहाँ पे लगा देनी है लैपटॉप में, और मैं आपको अभी दिस पीसी पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल का आइकन नहीं है, यहाँ पे मोबाइल का आइकन आ जाएगा जब हम लगाएंगे। ये जो पिन है ये यहाँ पे लगा देनी है हमें चार्जर के पोर्ट में। इस तरह के हमारे पास तीन ये आएंगे, नॉन डाटा ट्रांसफर ओनली चार्जर के लिए है, फाइल ट्रांसफर और ट्रांसफर फोटो ओनली फोटो। हम फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो बीच वाले पे क्लिक करके हम मोबाइल को साइड में रख देंगे। अब हम दोबारा दिस पीसी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेडमी ए आ चुका है। हमें यहाँ पे कोई भी फाइल है अपने लैपटॉप से उठानी है, या फिर हम यहाँ से फाइल अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमें लैपटॉप से फाइल को डालना है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली फाइल है हमें इसके ऊपर राइट वाली क्लिक करके एक हमें पहले लेफ्ट वाली क्लिक करनी है, और उसके बाद राइट वाले क्लिक करके हमें इस फाइल को कॉपी करनी है। आप डायरेक्ट इसके ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हो। हमें बैक आ जाना है और इस फोल्डर को खोल लेना है मोबाइल वाले से। आप किसी भी फोल्डर में ये वीडियो डाल सकते हो, जैसे कि मैं पिक्चर्स में डालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लेफ्ट वाले क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का पेज आएगा, और हम राइट वाले क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो फाइल आ चुकी है। इस तरह से जो ये फाइल है वो ट्रांसफ़र होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मैं आपको लैपटॉप के सीक्रेट्स बताऊंगा। थैंक यू।